स्वागत है आपका देवभूमि, देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। शुक्रवार की सुबह इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हो गई थी और इसी हादसे में ऋषभ पंत को गंभीर चोटें आई, उनका इलाज जारी है। पंत को सबसे ज्यादा चोटें सिर और पैर में आई है। ये भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त ऋषभ पंत की कार का हादसा हुआ उस वक्त हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी। हरियाणा रोडवेज की बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने ही ऋषभ पंत की मदद की, उन्हें कार से निकाला। अगर ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत नैन समय पर पंत को कार से बाहर नहीं निकालते तो ऋषभ पंत के साथ अनहोनी हो सकती थी, लेकिन दोनों ने बहादुरी का परिचय देते हुए न सिर्फ ऋषभ पंत की जान बचाई बल्कि मानवता की मिसाल भी पेश की। उन्हें इस शानदार कार्य के लिए हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया। तो ये आपको बता दें, दोनों वो लोग जिन्होंने ऋषभ पंत की जान बचाई उन दोनों को हरियाणा सरकार ने भी सम्मानित किया है और उत्तराखंड सरकार भी उन्हें सम्मानित करेगी जल्द ही। ये दो वो शख्स थे जिनकी वजह से ऋषभ जो है वो अभी सही स्थिति में है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इलाज उनका चल रहा है लेकिन उनके साथ अनहोनी बड़ी हो सकती थी, लेकिन इन अनहोनी से इन दोनों लोगों ने ऋषभ को बचा लिया क्योंकि गाड़ी में आग लग गई थी और किसी तरीके से ऋषभ जब बाहर निकले तो उनको सुरक्षित जो है लोगों ने ही अस्पताल तक पहुंचाया। रुड़की के नारसन में ऋषभ पंत की कार को देख आप हादसे की गंभीरता का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन गनीमत यह है कि ऋषभ खतरे से बाहर हैं और देहरादून के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषभ पंत की मां को फोन किया और उनका हाल पूछा। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार रुड़की के रास्ते में बेकाबू हो गई थी। माना जा रहा है कि ऐसा ऋषभ को नींद आने की वजह से हुआ। झपकी आने के बाद वो कार पर नियंत्रण खो गए थे। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। जब यह हादसा हुआ उस समय ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार की रफ्तार काफी तेज थी। सीसीटीवी वीडियो में कार डिवाइडर से टकराती दिख रही है। कार में वो अकेले थे, स्वयं चला के आ रहे थे रुड़की अपने परिजनों से मिलने के लिए, और ऋषभ पंत का स्वयं मानना है कि संभवतः झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी, लेकिन अभी बाकी सभी पहलुओं से भी जानकारी की जा रही है। ऋषभ की कार का एक्सीडेंट दिल्ली देहरादून हाईवे पर हुआ। हादसे में उनकी कार के परखच्चे उड़ गए। इलाज के दौरान ऋषभ पंत ने डॉक्टर सुनील नागर को अपने रुड़की दौरे के बारे में बताया था। कह रहा था कि मैं अपनी मम्मी को सरप्राइज देना चाहता था और लोकसभा में रात सिर्फ मात्र 2 घंटे सोया। गनीमत ये रही कि आग लगने से पहले वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल गए। इसके लिए ऋषभ पंत ने अपनी गाड़ी का विंड स्क्रीन तोड़ा। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद वो सड़क के किनारे लेटे दिखे। कार में ऋषभ पंत के अलावा कोई और सवार नहीं था। जो वीडियो सामने आया है उसमें दो लड़के ऋषभ पंत की मदद करते दिख रहे हैं। इस दौरान उनके शरीर पर कपड़ा मौजूद नहीं था, हालांकि बाद में स्थानीय लोगों ने चादर से उनके शरीर को ढका। हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। हादसे में ऋषभ पंत को काफी चोटें आई थी, उनके सिर से खून बह रहा था। एक वीडियो में ऋषभ पंत स्थानीय लोगों से बातचीत करते दिख रहे हैं, वहीं एक लड़का उनका हाथ थामे खड़ा दिख रहा है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक ऋषभ पंत खतरे से बाहर हैं। वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। यानी कम नींद लेने की वजह से ही ऋषभ पंत की कार चलाते हुए आंख लग गई थी। आपको बता दें कि ऋषभ पंत के पास एक बैग था जिसमें कुछ कैश रखा हुआ था जो हादसे के बाद सड़क पर बिखर गया। हालांकि चश्मदीद ने बताया कि ऋषभ पंत को किसी शख्स ने पैसे वापस सौंप दिए थे। कुलदीप नेगी, सी मीडिया, देहरादून। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।